लोकली। अया मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ही काफ़ी डरावना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, जो पीछे पर रास्ता है तो वो है हाखेतारी जाने का रास्ता। पहले मेरा ब्लॉग बनाया था ये हाखेतारी जाने का, तो उस ब्लॉग में यहाँ पर जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन होने का कारण तो रास्ता बंद था, इसलिए नहीं जा पाया था। सो गाइस, एक्चुअली आज रास्ता खुल गया है, तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ हाखेतारी। तो गाइस यही रास्ता, तो इधर से जाना पड़ेगा हाखेतारी जाने के लिए। सो गाइस, लेट्स गो टू द हाखेतारी। सो गाइस, कीप वॉचिंग, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पे बने रहेगा। गाइस पैकिंग करके लेके आया होटल से, तो उसके साथ दिया है ये सब्जी चटनी, लोकल है, और ये पापड़, और यहाँ पर नींबू प्याज, और यहाँ पर है राइस पैकिंग किया वाला। तो कौन सा वाला रास्ता से जाना पड़ेगा, आइडिया नहीं अभी हमको। मेरा गाड़ी जिस जगह पर मोड़ा है तो उसी रास्ते पे जाके देखते हैं क्या होता, देखते हैं गाइस। ये हाखेतारी जाने का रास्ता ये था ना? ओ नहीं, उधर में एक दो रास्ता था ना, तो हम कन्फ्यूज़ हो गया था। वो ये तारोताई जाता है, तारोताई लेफ्ट साइड में मोड़ जाओ, डाउन जाएगा ना। हाँ हाँ, हमेशा राइट साइड से जाना, राइट में जाना है। अच्छा अच्छा, रास्ता तो ठीक ही है ना? ठीक ही है, अच्छा ऐसे छोड़ेंगे होगा। थैंक यू, शुक्रिया। सो गाइस, आई थिंक मैं पहुंच गया ये हाखेतारी। तो वाह, व्हाट ए व्यू यार। तो पीछे में देखिए, व्यू बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो एक्चुअली अभी हमको यहाँ से जाना है चोटी, तो वहाँ पर ही है झरने, तो झरने है वहाँ पर ही है चोटी पर। तो एक्चुअली मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ पर मेरे को नहाना है, और वहाँ पर ही मेरे को कुछ खाना पीना खा के रोस्टिंग करना है। सो गाइस, अभी चोटी कहाँ पर है वो भी मेरे को अभी आइडिया नहीं है, मालूम नहीं। तो पीछे पे शायद कोई आदमी है वहाँ पर, तो मैं उससे जाके एक बार खबर ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। सो गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, वहाँ पर एक आदमी है, तो मछली मार रही है, तो मछली पकड़ रहा है, तो उसी को पूछ लेगा ये चोटी कहाँ पर है, मेरे को पूछना है। अच्छा भाई, ये यही हाखेतारी है ना? और ये क्या बोलते हैं वो जो चोटी बोलते हैं ना, चोटी वो कहाँ से जाता है, कौन सा रास्ता है? हाँ चोटी, जहाँ पर वो झरना है ना, वो जो पानी। हाँ अच्छा, ये रास्ता से सीधा जाते रहना पड़ेगा, तो वहाँ तक ये रास्ता गाड़ी जा सकेगा? अच्छा वो होगा क्या, मछली पकड़ रहा है क्या, मिलता है? होगा होगा, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, उस आदमी ने बताया जो पीछे रास्ता है इसी से सीधा चलते रहना है चोटी पहुंचने के लिए। सो गाइस, लेट एक्सप्लोर द चोटी वाटरफॉल। मैं भी बहुत एक्साइट हो रहा हूँ अभी वहाँ तक जल्दी पहुँच जाने से, ठीक है बोल के सोच रहे अभी। सो गाइस, कीप वॉचिंग। सो गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया, तो ये हाखेतारी जो पॉपुलर एक फेमस जगह प्लेस माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो मार्च मंथ होता है ना, तो उस समय में यहाँ पर बहुत सारा फूल खिलता है। एक ये क्या होता है, फ्लोवर का नाम, उस फ्लोवर का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन बहुत सुंदर होता है, प्यारा सा फ्लोवर होता है। तो अभी मार्च महीना तो नहीं है, तो अभी मार्च महीना आने के लिए और 4 मंथ है। सो गाइस, अभी तो इतना व्यू मज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि फूल नहीं है ना, फूल नहीं खिल रहे। तो गाइस मैं मार्च महीना में, तो आप लोगों को मैं ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो मार्च महीना का टाइम में। तो गाइस, आज के लिए, आज के ब्लॉग में आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। सो डोंट स्किप द वीडियो, सो कीप वॉचिंग गाइस। तो गाइस, लगता है मैं यहाँ चोटी के आसपास पहुँच गया है, तो यहाँ से मेरे को झरने पानी का वो जो साउंड गिरता है ना, उसका आवाज़ मेरे को सुनाई दे रहा है। तो एक्चुअली क्या बोलने से, यहाँ से रास्ता भी बहुत ये अप है, तो ऊँचा है, तो यहाँ पर गाड़ी को रखेगा अभी, तो इधर से मैं पैदल जाके देखेगा। तो गाड़ी में मेरा सामान है, तो उसी को मैं अभी
उठा ले लेता हूँ, बैग है और एक दाव है तो उसको मैं लेके पैदल जाके देखता हूँ। तो पैदल जाके वहाँ चोटिंग तक झरने तक वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ। सो गाइस, तो पहले मेरा सामान ले लेता है। तो ये बैग है, इसमें मैंने मेरा खाना पीना और मेरा कपड़ा टॉवल ये सब मैंने इसमें रखा है। तो वहाँ पर मेरे को राफ्टिंग करना है, खाना पीना खाना है और थोड़ा नहा लेना है जाने में। यहाँ पर पानी बोतल है, तो एक पानी बोतल है इसको भी ले लेता हूँ। सो गाइस, मेरे को दिख गया ये पानी का बहाव, तो वहाँ पर ही कहीं आसपास होना चाहिए जो झरने। तो वहाँ पर कुछ आदमी लोग भी है, घर वर बना के बैठ रहे, तो घर भी बन रहे शायद। तो वहाँ पर पूछ लेगा तो एक्चुअली झरने कहाँ पर है। तो ये देखिए गाइस, सो गाइस एक्चुअली जो झरना है मेन झरना, तो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है बोले। तो यहाँ पर कुछ आदमी लोग मिले हैं तो उसी ने बताया, तो उन लोग भी उसी साइड में जा रहा है, तो मैं गलत जगह आ गया। तो एक्चुअली ये जो है यहाँ पे शायद कुछ डैम का प्रोजेक्ट हो रहा है बोल के ऐसा कुछ बताया। सो सब लोग यहाँ पर आके देखते बोलते हैं, तो गलत जगह में। तो मेन ऊपर से जाते बोले जो मेन झरना, तो अभी उन लोग का साथ में ही जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। बारिश भी गिर रहा है हल्का हल्का सा, तो अब भी बारिश जोर से गिरने से ऊपर नहीं, तो वहाँ रुक जा रहा है। और मेरा चप्पल का ये भी टूट गया, ओए दाव भी गिर गया। वहाँ पर है मेरा गाड़ी और दो गाड़ी है, तो यहाँ भी ये पार का ऊपर में इधर से जा रहा है। हाँ यार, बारिश भी हो रहा है, वो क्या करूँ, ज़्यादा अंदर तक जाता है क्या नस। हाँ दो किलोमीटर, एक किलोमीटर, वाह इतना दूर है क्या। वैसे लगता है अभी यहाँ मेन झरना के आसपास पहुँच गया होगा, मैं पहुँचा नहीं, पहुँचने वाला है। तो वहाँ पर मिटुन भी है जो रास्ता ब्लॉक करके रख दिए, तो वहाँ पे रुक रहे नहीं भाग रहे क्या। ये जगह भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, इसलिए कोई नहीं जाता ये जगह में। क्या मछली बम्बू का बच्चा? ओ यहाँ से और अंदर जाना पड़ेगा ना मेन झरना पहुँचने के लिए। सामने हो गया होगा। हाँ पीछे में सुन रहा होगा आवाज़ जो पानी का नदी का आवाज़ है। तो यहाँ तक तो पहुँचा है, तो अब बोल रहा है यहाँ से और आधा घंटा और थोड़ा चलना पड़ेगा बोल रहा है। तो मैं तो यहाँ से चल चल के थक गया हूँ। तो गाइस यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, तो उन लोग उधर पे उतर गए हैं, तो वहाँ उन लोग जा रहे हैं। स्लीप हो गया भाई, मैं तो फिसल के गिर गया, स्लीप हो गया था, क्या स्लीप है। ऊपर से मेरा चप्पल भी टूटा हुआ है, मैं वहाँ से गिर गया था, अभी पूरा स्लीप हो गया था। रास्ता तो बहुत ही भयंकर है। पूरा अंदर ही जा रहा है जंगल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग बम्बू तोड़ रहे हैं, यहाँ तक तो पहुँच गया चल चल के। तो बस मेन झरना और आगे जाएगा होगा,
बोलते रहे पता नहीं लगे। माय गॉड यार दोस्तों, फाइनली इतना जंगल में चल चल के तो मैं फाइनली यहाँ झरने के, यहाँ मेन झरना था ना, तो मेन झरना जो था तो मैं यहाँ पर अभी पहुँच गया है। तो इधर से पीछे में है झरना, तो इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बैक कैमरा से मैं खींच के अच्छा से आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। सो गाइस, पूरा जंगल जंगल क्रॉस करके आए हैं, बहुत ही रास्ता ख़राब है, पूरा जंगल से गुजरा चल चल के गुजर के आया है और फाइनली यहाँ तक पहुँच गया है। तो झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है व्यू। तो गैस देख लेना आप लोग, तो ये नदी का ऊपर साइड पर मैं यहाँ पर बैठ के मैं वीडियो शूट ले रहा हूँ। तो नीचे में है नदी, तो वहाँ पीछे पर है झरना, तो वहाँ से पानी गिरने का आवाज़ भी बहुत साउंड दे रहा है। और यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ही काफ़ी डरावना है। सामने में बहुत तेज़ से पानी गिर रहा है ना, इसलिए सामने आने से तो अभी डरावना होगा। तो वहाँ पर एक स्पॉट था, तो वहाँ पर ही मैं खाने पीने का मैं जो लेके आया था, तो उसी को मैं उधर में खाना पीना खा के चला जाएगा अभी। सो गाइस, यही था झरना, चोटी का झरना, उधर ऊपर से गिर रहा है पानी जो झरना जो, तो गस्ती ने कवर करके रखा है, तो इतना ऊपर का विजिबिलिटी नहीं हो पा रहा है। तो गैस मैं अभी वहाँ से झरने से निकल गए, वो गैस जो तीन लोग थे तो जो मेरे को गाइड कर रहा था, तो रास्ता दिखा रहा था, तो एक्चुअली उन लोग को वहाँ पर रह गया, तो उन लोग को वहाँ पर कुछ काम निपटाना है, तो उन लोग बाद में आएगा बोला है, वापस आ जाएगा बोला है, तो मैं उन लोग को छोड़ के अभी मैं अकेला निकल गया हूँ। सो गैस यहाँ रास्ता बहुत ही भयंकर है, तो ये देख रहा होगा ये पूरा पत्थर ही पत्थर चट्टान है, और यहाँ नीचे पर पूरा खाई है, एकदम नीचे में पूरा नदी है, तो यहाँ से पिसल कभी गिर गया तो डायरेक्ट वहाँ नदी पर गिर जाएगा, तो यहाँ से पिसल कभी गिर गया तो डायरेक्ट नदी नीचे जाके गिर जाएगा, बहुत ही खतरा है ये रास्ता। तो गैस अभी हमको यहाँ से जल्दी निकलना है और एक अच्छे जगह पर जाके, तो वहाँ पर ही मेरे को लंच करना है, खाना पीना करना है, वैसे बहुत भूख भी लगी अभी, उपाय नहीं है। सो गैस मैं अभी यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये एक जगह अच्छा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर आग जलाएगा बोल के, तो वहाँ पर मैंने कुछ लकड़ी भी इकट्ठे किए थे, लेकिन हल्का हल्का बारिश भी गिर रहा है ऊपर से और लकड़ी पूरा गीला हुआ है, और मैंने कोशिश भी किया था थोड़ा कुछ पट्टा लेके जलाने का, लेकिन नहीं जल पा रहा है। तो मैंने कुछ मीट लाया था, कच्चा मीट, तो मैंने सोचा था वो उसको कच्चा मीट को रोस्टिंग करके, तो जो मैंने पैकेजिंग खाना लेके आया था तो उसके साथ में खा लेगा सोचा था। तो वैसे भी अभी ऊपर से इतना भूख लग रहा है, तो आग जलाने का भी कैपेसिटी नहीं हो रहा है, तो गैस मैं जो पैकेजिंग फूड राइस जो लाया था तो मैं अभी उसी को खा लेगा और खा के यहाँ से पटर पर निकल जाएगा। तो गैस खा लेते हैं, थोड़ा भूख लग गया। तो गैस ये देखिए, ओ ये क्या बोलते हैं, ये जंगल में ना बहुत मच्छर या ये मक्खी आती है जो आँख आँख में घुसते रहते हैं ना, पता नहीं क्यों आँख में घुसने दिल होते। ये जो है लोकली, तो ये जो है इसको लोकली यहाँ पर इसको क्रा बोल रहा है, ये इंग्लिश में क्या फ्रूट है हमको तो मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको क्रा बोलते हैं, ये देख सकते हैं, तो अंदर में कुछ इस तरह सफ़ेद सा होता है, और ये इसको तो इसको कच्चा भी इसको खाता है, और हमको इसको ना, और मेरे को इसको जब ये भून के ये कह रहा है ना, इसको ये भून के जब इसको खाता है तो ज़रा टेस्टी होता है इसका।
तो यहाँ पर बहुत सारा गिर के है, लेकिन ये ज़्यादातर ख़राब है, पूरा कीड़ा खाया वाला है। तो मैंने सोचा था इसको ले लेगा बोल के, लेके घर में भून के खाएगा सोचा था, लेकिन ये पूरा ख़राब है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जंगल में अवेलेबल मिल जाएगी तो कभी दिन में उसका अच्छा से वीडियो रेसिपी बना के आपको दिखाएगा। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, तो मेरे को अभी घर पहुँचना है, तो शाम होने वाला है अभी।